तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ साउथ सिक्किम, और साउथ सिक्किम में एक टारे भीर करके एक जगह है, तो चलिए उस जगह को जाके एक्सप्लोर करते हैं। और सिलीगुड़ी से टारे भीर तकरीबन 108 किलोमीटर है, एंड गूगल में बता रहा है कि मुझे लग जाएगा तकरीबन 3.5 से 4 घंटा। I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. I can only imagine we're dancing in the moonlight. I can only imagine, I can only imagine. I want to know if you will be my favorite song, my little melody. If we could be a symphony, then we would be a perfect harmony. I don't want to live this way. I really wish we never knew. Out of sight and out of mind. I don't want to be. So guys, finally मैं सिक्किम एंटर कर चुका हूँ। जो ब्रिज आपने वो देखा था, वहाँ से इस तरफ स्टार्ट होता है सिक्किम, एंड वहाँ पे एक छोटा सा चेक पोस्ट भी है जो आपको आईडी प्रूफ दिखाने के लिए बोलेगा कि आप किस जगह से आए हो, किस पर्पस के लिए आए हो। मैं हूँ अभी सिक्किम में, और आप जो उस तरह का नज़ारा जो दिख रहा है रिवर के ऊपर, वो है वेस्ट बंगाल। With you, but the next time I saw your face, nothing I can do. I just have to face the truth. All I want is to be with you. I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. I can only, my little melody. If we could be a symphony, then we would be a perfect harmony. So finally guys, मैं तारे भीर आ पहुंचा हूँ, एंड मुझे पूरे 2.5 घंटा लगा मल्ली में गाड़ी पकड़ने के, गाड़ी मिलने के लिए सद्दाम के लिए। एंड अभी मैं हूँ टारे भीर में, एंड काफ़ी अच्छा मेरे को दिखाई दे रहा है। सो ये रहा टारे भीर, एंड आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्टेयर्स है, काफ़ी लंबा स्टेयर्स है, एंड जाऊँगा मैं कुछ देर बाद। तो फिलहाल अभी देख लीजिए, वो है कालिम्पोंग, एंड जहाँ से मैं अभी आया था वो था ये रूट, यहाँ से मैं ऊपर ऊपर होके आ रखा हूँ।
करना पड़ेगा और काफ़ी ख़राब है यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिस्क नहीं लेता हूँ, आगे मैं नहीं बढ़ता हूँ। और मैं जिस पॉइंट से आया था वो रहा ऊपर, तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है वही है, वहाँ से मैं आया था। एंड यही है यहाँ का नज़ारा और देखो आज लकी डे था कि वेदर भी काफ़ी कूल है एंड काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे और हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है। एंड जो मेरा सीधा वो देख रहे हैं वो है कालिंगपोंग, शायद कैमरा में अच्छे तरीके से कैप्चर तो नहीं हो पा रहा है मगर वो है कालिंगपोंग। एंड इस तरफ अगर जाए तो सीधा टिस्टा रिवर दिखाई दे रहा है, टिस्टा वैली, और एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है, वो टिस्टा ब्रिज है मगर अभी तो कैमरा में उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर रहा है। यहाँ पे आने में रिक्स तो है मगर मैंने रिक्स ले ली है एंड मैं ये ऊंचाई पर चढ़ चुका हूँ एंड अभी यहाँ से और आगे भी जा सकते हैं मगर वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँचूँगा। मेरे को देखना था कि उसके आगे क्या है, मतलब कैसा एडवेंचरस रास्ता है मगर काफ़ी एडवेंचरस है, आप आएंगे तो रिक्स ले सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे जाके सीधा आप उस उप चढ़ाई पे भी चढ़ सकते हैं मगर यहाँ से नीचे अब मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं मेरा ट्रैक यहीं तक ख़त्म कर दूँगा। एंड काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी रिक्स है वो रास्ता जाने के लिए मगर अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर भी आप जा सकते हैं अगर आपको व्यू अच्छा क्लियर देखना हो तो, फिर भी मेरे को लगता है कि भाई यहीं तक ठीक रहेगा आने में। अगर आप ट्रैक के लिए जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा ये रूट से, ये देखिए जिग जैग करके रूट है, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे आके भूख लगता है और कुछ नाश्ता हो खाना हो या कुछ करने को मांगता है तो आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे शायद मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ मगर देखे तो लग रहा है कि रेस्टोरेंट है क्योंकि टेबल चेयर बिठा हुआ है बाहर ही, और ये रहा छोटा छोटा कॉटेज करके है तो शायद रेस्टोरेंट है, वहाँ पे शायद मिल सकता है कुछ खाने के लिए। फाइनली मैं मल्ली आ पहुँचा हूँ एंड अभी मुझे यहाँ से लेना है सिलीगुड़ी के लिए। तो और एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि जहाँ एंड मैंने किया था तारे भीड़ का और वहाँ से मैं आगे नहीं गया था, तो जब मैं आके गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर कह रहा था कि वहाँ से, मतलब कुछ दिनों पहले एक स्पॉट डेट हुआ वहाँ से गिर के एक लेडी। I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. So I can only imagine how it is to be with you. I can only imagine us.